क्या हुआ था उस दिन और किस तरह से घटना हुई है आपके साथ? 13 अप्रैल को मैं निशा चौहान कहता हूँ, सभी को नमस्ते। मैं निशा चौहान ही से लोकल ट्रांसजेंडर बच्चा हूँ और 13 अप्रैल को दो मिनट कॉलोनी वाला जहाँ पर मैं शगन लेने गई थी घर में, तो मैं शगन ले ही रही थी और लेकर निकलने ही वाली थी वहाँ से, तो रजे रावत के गुट के जो लोग थे वो वहाँ पर अंदर आकर के उन्होंने मेरे साथ पकड़ लिया और हाथापाई शुरू कर दी। तो जिनके घर पे वो जिनके घर में थे उन्होंने गुस्से में बोला कि यहाँ से बाहर जाओ और हमारे घर में नहीं हंगामा करना, बाहर जा कर। उसके बाद ये लोग मुझे घसीटते हुए बाहर ले गए। बाहर ले जा कर के 5-10 मिनट में वहाँ पर हिजड़ों की बहुत सारी टीम इकट्ठा हो गई थी, जो रजे रावत के लोग हैं सभी, और 18-20 लड़के थे, कम से कम 40-50 जो है हिजड़े थे। और इन्होंने मुझे बेरहमी से लात डंडे लोहे की रॉड इन सब चीज़ों से मारना शुरू किया, और कैंची थी मेरे कानी की, कैंची से मेरे बाल काटे गए, आप देख सकते हैं मेरे किस तरीके से काटे गए, मेरे बाल काटे, बेरहमी से मुझे मारा। उसके बाद इनका तब भी मन नहीं भरा तो रजे रावत के ऑर्डर पर ये लोग मुझे अगवा करके गाड़ी में ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में डाल करके ले गए वहाँ से, और ले जाकर मुझे चाय बगान में वहाँ पर इन्होंने दो दो तीन तीन जगह पर आस पास जैसे ही कोई देखने लगता था तो ये लोग मुझे उठाकर गाड़ी में डाल देते थे, फिर आगे पीछे करके फिर वहाँ पर भी इन्होंने मुझे बहुत बेरहमी से मारा। और मार पीटने के बाद जब मेरी बहुत बुरी हालत हो गई तब ये लोग खुद बसंत विहार थाने में ले गए, और जो कि मैंने प्रोटेक्शन ले रखी है और बसंत विहार थाना इंदिरानगर चौकी मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। उसके बाद भी वहाँ पर पुलिस का कोई रिएक्शन नहीं था जो पुलिस का होना चाहिए था। उसके बाद पुलिस ने वहाँ से रेफर किया कि पटेल नगर थाने का काम है, मुझे उन्हीं हिजड़ों की गाड़ी में डाल करके पटेल नगर थाने में भेजा गया। उसके बाद वहाँ पर जाकर मुझे प्रेशराइज किया कि तुझे जान से मरवा देंगे और सब कुछ मेरी जेब में है, यहाँ पे मेरे पास इतना पैसा है कि तेरी औकात नहीं है, तू एक कीड़ा है मेरे सामने, मैं तुझे पैरों के नीचे मसल दूँगी, तेरा पता नहीं चलेगा। मुझे बहुत डराया गया, ना मेरा मेडिकल हुआ ना वहाँ पर मेरा मेडिकल होने दिया, और पता नहीं कहाँ क्या लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता क्या था। और उसमें घटना तो पिथू वाला, घटना पिथू वाला में हुई थी। हाँ जी, पिथू गाड़ी में डाल करके वहाँ से वहाँ ले गए। कहाँ पर ले? थाने से मुझे अपनी ही गाड़ी में डाल के। कहाँ ले गए थे पिथू वाला से आपको? पिथू वाला से मुझे ले गए ट्री स्टेट बसंत विहार थाने के सामने जो चाय बगीचा है उसमें, वहाँ से फिर वो थाने में खुद ही ले करके आए। कितने सालों से ये सब होता रहा है और बस यही एक मेन मुद्दा है उसका कि हम जो लोकल किन्नर बच्चे अपनी फैमिलियों में रहते हैं और जो लोकल किन्नर बच्चे फैमिली में ना रहकर किराए पर रहते हैं देहरादून में, उसका यही मोटिव है कि हम लोग यहाँ से जैसे वो नेपाल और बंगाल से आए हैं, हम लोग भी अपने जो है देहरादून को छोड़ करके कहीं बाहर चले जाएँ। और सबसे पहला उसका मेन मोटिव मैं ही, कि अगर मैं चली गई तो धीरे धीरे सभी डर के चले जाएँ। ऐसा क्या ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो मुझे ही टारगेट क्यों करती है हर बार, शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं किन्नर परंपरा के अनुसार उसी के घर का चेला भी हूँ, शीशे में उन्हीं के घर का हूँ।